हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का जो उनका फर्स्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दैट इज क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि सिलाई कला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलाई कला में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने जो मशीन है उसके बारे में फर्स्ट ईयर में सीख लिया। अब उस मशीन को हमें इस वर्ष प्रयोग में लेना है, हमें अलग अलग प्रकार के कपड़ों को सिलना है। तो सबसे पहले हम आज जो सीखेंगे वो है बिब। बिब आपने सबने देखा जो बच्चों को गले में बांधा जाता है, इस तरह से आप देखिए ये बिब है। बिब जो है इसका क्या कार्य है, हम बच्चों को बिब क्यों बांधते हैं? जब भी हम उनको कुछ खिलाते हैं, कुछ खाना खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं, तो बच्चों की आदत होती है खाने को गिराना। तो अब वो भोजन उनके कपड़ों पे ना गिरे, हमें बार बार उनके कपड़े ना बदलने पड़े, तो इसलिए हम उनको बिब बांधते हैं। तो बिब में जो सबसे मेन हमें पॉइंट ध्यान रखना है वो है एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये ऐसे कपड़े का बना हो कि ये सोख ले। कई बार हम सिंथेटिक कपड़े का बिब बना लेते हैं तो वो सोखेगा नहीं और उसके कपड़े खराब होंगे। दूसरा, अगर आपने कोई इस तरह का मटेरियल यूज किया कि हमने बच्चे को बांधा और उसे चुभ रहा है तो वो इरिटेट होगा। तो मेन चीज जो हमें बच्चों के कपड़ों में ध्यान रखनी है कि एक तो वो सूती कपड़े का बना हो, ठीक है, और उसमें एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी हो, एंड जहां तक हो सके हमें ब्राइट कलर्स का यूज करना है। हम ब्लैक कलर बच्चों में अवॉइड करते हैं, तो इट शुड बी ब्यूटीफुल ऑल्सो कि देखने में अच्छा लगे। तो अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम कौन सा कपड़ा लेंगे, कॉटन का कपड़ा। कॉटन का कपड़ा हमें कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर आप कपड़ा लीजिए। आपने एक जो सिलाई का टूल बना रखा है जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप सारी चीजें रखिए, ब्राउन पेपर हो गया, कैची अच्छी धार वाली, आपके सिल, आपके जो निडल है, थ्रेड है, इंची टेप है, एवरीथिंग जो भी हमें बेसिक चीजें चाहिए वो सब हम रखते हैं। तो अब हमने देखा कि इसमें सूती कपड़ा हमने लिया 25 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि पाइपिंग लगेगी, तो आप जो भी कलर ले रहे हैं उसके कॉन्ट्रास्ट की सुंदर सी पाइपिंग लीजिए, 1 मीटर पाइपिंग हमें लेनी है। देन ये क्योंकि मैंने कहा कि इसको एब्सॉर्ब करना है, इसमें स्पंज, तो इसमें हम स्पंज रखेंगे। हम क्या करेंगे, जब ये कपड़ा लेंगे बिब का, तो हम दो कपड़े लेंगे, दो काटेंगे और इसके बीच में स्पंज लगाएंगे ताकि इसमें अवशोषक क्षमता जो है बढ़ जाए, एब्सॉर्ब्स जो भी फूड है वो अपने अंदर इसको अवशोषित कर ले। तो इसके लिए हमें स्पंज चाहिए और उसके बाद यहाँ पे एक खूबसूरत सा पैच हुआ जिससे कि इसकी सुंदरता बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हम एक ब्राउन पेपर लेंगे क्योंकि हम क्लोदिंग वाले प्रैक्टिकल में सबसे पहले कोई भी चीज कपड़ा सिलने जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट कपड़ा कभी नहीं काटते हैं, हम सबसे पहले उसको ब्राउन पेपर पे काटेंगे, फिर उसको एक टेलर्स चौक से उसको ट्रेस करेंगे एंड उसको कटिंग करके फिर उसको हम कपड़े पे रख के फिर काटेंगे। डायरेक्ट आपको कपड़ा नहीं काटना है क्योंकि कई बार हमारा गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आप ब्राउन पेपर भी अपने पास रखिए, सीजर्स रखिए, पेंसिल, रबड़ एंड ऑल द बेसिक चीज जो आपकी सिलाई की होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो इसकी तैयार लंबाई जो है, हम ये कहेंगे कि इसके लिए हम लंबाई कितनी लेंगे, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई है दैट इज 21 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब हम आप ये देखिए कि हमने एक ब्राउन पेपर, या पहले हम यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे कि ए से लेकर के बी तक हम 10 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, ठीक है। आपने ए से बी 10 सेंटीमीटर का निशान लगाया, नीचे लंबाई हमने कितनी ली, आपकी लंबाई कितनी है इसमें, 21 सेंटीमीटर, तो आप इसमें 21 सेंटीमीटर तक निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब आपके पास ए बी, ए और बी और सी और डी, ये कितने हो गए 10 सेंटीमीटर, और ए सी और बी डी कितने हो गए 21 सेंटीमीटर, यानी कि अब आपने इनको चारों को डॉट लगाकर मिला दिया, ठीक है। अब इस तरफ ए और सी की तरफ आप क्या लिखेंगे, फोल्ड, कि यहाँ पे फोल्ड होना चाहिए क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे इसे खोलेंगे तो ये फोल्ड होगा, तो ये जैसे ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये है, तो ये इसको हम खोलेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे फोल्ड होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया लेंथ कितनी है, 21 सेंटीमीटर, और क्योंकि चौड़ाई खोलने के बाद 20 हो जाएगी तो हमने इसको फोल्ड किया हुआ है तो हमने 10 सेंटीमीटर का इसमें निशान लगा लिया, ठीक है। अब आपने इन चारों को मिला लिया, यहाँ पे फोल्ड हो गया। अब ऊपर की तरफ आप देखिए, ए से लेकर के हम 6 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे और इसको लिखेंगे ई। ए से ई आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, फिर ए से नीचे की ओर आप 5 सेंटीमीटर का निशान लगाएं और यहाँ पे लिख दीजिए एफ।
अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ए हो गया 6 सेंटीमीटर की दूरी में, ई हो गया और यहाँ पे एफ हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ई और एफ को गले के रूप में मिला दीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पे ए से ई हो गया, ये ए से एफ हो गया, और अब इसको मैंने इस तरह से राउंड शेप दे दी, एक कर्व शेप दे दी, ठीक है। उसके बाद ये बी से डी की तरफ आप आएंगे तो ऊपर से लेकर के आप नीचे यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक डॉट लगा दीजिए और उसे हम कहेंगे जी। ये हमारा जी हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे पास कौन कौन से अल्फाबेट्स हो गए, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे मैंने ऊपर ई का निशान लगाया और नीचे एफ का लगाया, ई और एफ को मिला दिया। यहाँ पे मैंने ऊपर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगाया। अब क्या करना है, नेक्स्ट आप करेंगे जो ये है ई जी एंड सी को मिला दीजिए वक्र के रूप में, एक कर्व के रूप में आप ई जी और सी को मिला दीजिए। तो जैसे ई से हमने यूं मिलाते हुए गोल आकार देते हुए सी की ओर ले जाएंगे, ठीक है। अब आपका ये इस तरह से, आप इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से ये बन जाएगा। अब अगर हम इसको ब्राउन पेपर पे करते हैं तो ब्राउन पेपर पे देखिए मैंने इस तरह से इसको बनाया है, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये फिर मैंने यहां से इसको काट दिया, ये वाला ये काट दिया और इस वक्र को पूरा सिजर से काट दिया। अब इसको मैंने काटा इस तरह से, आप देखिए ये ऐसे बन गया। जब मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड रखा है तो मैंने इसे खोला तो ये इस आकार का हो गया, ठीक, इस आकार का हो गया ये। अब ऐसे हमें दो पीस काटने हैं कपड़े में, ये एक ब्राउन पेपर में काटने के बाद आप इसको कपड़े पे रखिए और उसको ट्रेस करिए और उसके बाद दो पीस काटिए। जब आप कपड़े पे इसको ट्रेस कर रहे हैं, जब आप निशान लगा रहे हैं तो उस निशान पे हमारी सिलाई आएगी, तो दैट मीन्स हमें थोड़ा सा 1.5 से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा काटना है, क्योंकि जहां पे ये लाइन आप खींचेंगे वहां पे आपकी सिलाई आएगी, तो थोड़ा सा आपको मार्जिन रखना है सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमने दो पीस लिए, ठीक है। अब इसी सेम शेप का एक हम स्पंज भी काटेंगे, तो अब हमारे पास तीन चीजें होंगी, दो कपड़े और एक स्पंज। उसके बाद हम सिलाई करेंगे, तो अब सिलाई करने में आप ध्यान दीजिए कैसे करना है। हमने एक कपड़ा लिया, दो कपड़ा लिया और दोनों कपड़ों के बाद हम स्पंज रखेंगे, ठीक है। बीच में स्पंज नहीं रखेंगे, हम स्पंज आखिर में रखेंगे और उसके बाद हम उनके चारों किनारों पे ऊपर गले को छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। जब थोड़ा सा रह जाएगा तो हम एक कपड़े को स्पंज के ऊपर ले आएंगे, तो आपका ये जो बेब है ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। पहले एक कपड़ा रखेंगे, दूसरा कपड़ा और बाद में स्पंज, फिर उसको सिलाई करेंगे और जब थोड़ा सा रह जाएगा तो आप उसको सीधा कर दें। सीधा कैसे करेंगे कि एक कपड़े को आप स्पंज के ऊपर लाएंगे तो अब आपका स्पंज बीच में हो जाएगा और दोनों तरफ कपड़ा हो जाएगा। जब दोनों तरफ कपड़ा हो जाएगा तो अब आपका ये पूरा सीधा हो जाएगा। ये देखिए, इसके बीच में स्पंज है और दोनों तरफ कपड़ा है। अब आप इसके चारों तरफ पाइपिंग लगा दीजिए और इसके ऊपर एक सुंदर सा पैच वर्क कर दीजिए। पाइपिंग इस तरह से लगाएं कि इसकी जो डोरी हो थोड़ी बड़ी हो ताकि आसानी से गले में हम इसको बांध सकें। तो इस तरह देखेंगे कि आपका बेब आसानी से आप तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसको दोहरा देती हूँ कि आप इसके लिए 24-25 सेंटीमीटर कपड़ा लेना है। लेंथ इसकी कितनी है, 21 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमने 10 सेंटीमीटर ली है लेकिन फोल्डेड है जो खुल के 20 हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए ऊपर 6 सेंटीमीटर का निशान, नीचे 5 सेंटीमीटर का निशान, इसको गोल आकार दे दिया। बी और डी की तरफ हमने, जहाँ पे फोल्ड नहीं है उस तरफ हमने 10 सेंटीमीटर का निशान लगाया और इस तरह से गोल आकार दे दिया। इसे काट लिया, काटने के बाद ये पहले ऐसा था, इस तरह था, काटने के बाद ये खुला तो इस तरह हो गया। इस तरह के तीन पीसेस कटेंगे, दो कपड़े के और एक स्पंज के। उसके बाद आप दो कपड़ों के बाद एक स्पंज रखिए, उनको सिलाई करिए, थोड़ा सा जब रह जाए तो कपड़े को स्पंज के ऊपर ले जाइए और आपका सीधा हो जाएगा। उसके बाद चारों तरफ पाइपिंग लगा के उसको कंप्लीट कर दीजिए और सुंदर सारे स्पंज लगाकर आप इस तरह से अपने बेब को तैयार करें। आशा है आपको समझ आ गया होगा और आप अब घर बैठ के अपना सुंदर सा एक बेब तैयार कर लीजिए। थैंक यू।